हेलो इंजीनियर फ्रेंड्स, यस सर्वेयर फ्रेंड्स, आज जानेंगे निकॉन XF सीरीज का कैसे स्टेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसमें बैक साइड का OCC ओरिएंटेशन का या आपका रिसेक्शन का दोनों वीडियो डाला हुआ है, ऊपर वाले जरूर देख लीजिएगा। तो आज काम करेंगे मैं स्टेकआउट के। तो स्टेकआउट के लिए मेरे को पहले तो बैक साइड करना जरूरी है, मैंडेटरी है। वो हो जाने के बाद मेरे को ऐसे एक सिंबल आएगा, तो मेन मेनू में जाना है मेरे को। तो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ TS का। तो ये मेरा मेन मेनू है। मेन मेनू में जाने के बाद आपके कई सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जॉब, प्रोग्राम, स्टेकआउट, कोगो। तो आज मैं स्टेकआउट का मारेंगे, यानी सेंटर लाइन मारेंगे अपना अलाइनमेंट का, रोड का। तो स्टेकआउट में आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर कई सारा ऑप्शन दिखेगा। देखिए, XYZ एसो, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एसो। तो आज फिलहाल मैं सिर्फ सिंगल पॉइंट में XYZ का एसो मारेंगे, पॉइंट मारेंगे। तो मैं सिंपली इसमें जाता हूँ, जो सेकंड वाला रो है उसी का फर्स्ट पॉइंट जो है अपना, उसमें क्लिक करेंगे। इसमें करने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास, XYZ एसो सिंगल पॉइंट या XYZ लिस्ट के हिसाब से। तो मैं सिंगल पॉइंट के हिसाब से करेंगे, तो सिंपल इसको सिंगल पॉइंट में क्लिक कर लेता हूँ। तो सिंगल पॉइंट PT का फुल फॉर्म पॉइंट होता है, तो मैं पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, तो मेरा ऑलरेडी इसमें सेव हुआ है डेटा। सेव डेटा करके मैं इसमें पूरा मेरा जो चेंज नंबर है 30300 है, तो मैं 30300 के हिसाब से इसमें सेव हुआ है। तो 30300 में इसको मारेंगे पॉइंट। अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्सटर्नल है, यानी आपका पॉइंट नहीं है, कोई आपका कैड से लेआउट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है, लिस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको अगर वो पॉइंट इंडिकेट करना है, कोई स्ट्रक्चर का काम करना है, तो सिंपल जाके आपका जो पास कोऑर्डिनेट है उसको इनपुट करने के लिए इसमें एक ऑप्शन है आपका। जब भी सर्च पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे, इसका पॉइंट नंबर कोई भी बॉक्स कलबर्ट हो, फ्लाई ओवर हो, VUP हो, कुछ भी हो, आपको इसका पॉइंट ID नंबर दे के, एक दो भी दे सकते हो, वो दे के मान के चलिए मैं उदाहरण के हिसाब से एक दे रहा हूँ। उसके बाद नॉर्थिंग वाला आपका जो कोऑर्डिनेट वो डाल दीजिए, कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे है आपका डाल के आप डाल दीजिए। फिर ईस्टिंग वाला भी डाल दीजिए। डालने के बाद आपको ओके करके उसको सेव कर देना चाहिए। अगर इसको सेव करेंगे तो उसके हिसाब से ये काम शुरू हो जाएगा। तो मैं अब मेरा ऑलरेडी पॉइंट सेव है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं आज पॉइंट मारेंगे 30300 से, 3300 पे करने के बाद मैं जब जॉब सेट कर दिया 3300, ओके कर देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है सेसो, आपको एसओ में क्लिक करना पड़ेगा। एसओ किया हूँ। डेटा इनपुट करने के बाद इसको जो एंगल देता है, एंगल को मेरे को जीरो करना पड़ेगा, DHA एंगल को जीरो करेंगे। इसको करने के लिए इसको अनलॉक करके इसको धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा जब तक इसको जीरो नहीं आ रहा। जब इसको जीरो आ जाता है तो फिर जब नज़दीक आ जाता है तो इसको हम लोगों को लॉक करना पड़ेगा। ये जो है इसको नीचे करेंगे तो लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद इसको धीरे धीरे मेरे को घुमाना है। कहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है अपने को, इस साइड दे रहा है, तो इसको इधर करना है। थोड़ा थोड़ा करके घुमा रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। घुमाने के बाद देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा कितना मीटर में है, 132 मीटर 624 mm। तो मेरा जो असिस्टेंट है या हेल्पर है उसको मैं बोल देता हूँ 132 मीटर दूर पे जाएगा मशीन से। ये जो मेरा मशीन स्टैंड है, मशीन से 132 मीटर दूर में जाएगा। तो फिलहाल वो जो गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हो जाने के बाद मेरे को उसको टारगेट में लाना है। टारगेट में लाने के लिए ये जो अपने ट्रायंगल बना हुआ है, टारगेट में इसको टारगेट कर सकता हूँ, या नीचे भी कर सकते हो। अगर आपका मशीन ज़्यादा हाइट हो गया तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। टारगेट करने के बाद हम लोगों को एक जरूर ध्यान देना पड़ेगा, गीता या कुरान के जैसे मानना पड़ेगा, वो है ये जो अपना हॉरिजॉन्टल एंगल का है, इसको कोई भी छेड़खानी नहीं करने का। अगर ये छेड़खानी करेंगे तो आपका स्टेकआउट का पूरा काम खराब हो जाएगा, पूरा एरर आएगा, आपका काम का कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, महत्व नहीं रहेगा। तो ये एंगल मेरे को एकदम सही से आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ना छेड़खानी करें, ना इसके कोई डिस्टर्ब करे। तो हम लोगों को सिर्फ वर्टिकली एंगल वाला जो है इसी को अनलॉक करके आपको आना पड़ेगा। तो मैं इसको वर्टिकली एंगल को अनलॉक करके रखा हूँ। तो मैं अभी मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कितना दूर जाएगा। ये हो जाने के बाद मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। आपको ध्यान देना है, जब भी आप
स्टेक आउट करोगे प्रिज्म का एकदम नीचे से उसको मेजर करना पड़ेगा, एकदम नीचे से, ये जितना नीचे से है तो इधर फसल है, तो मैं नीचे से उसका जो डंडिया है यानी जो रॉड है, प्रिज्म रॉड को ही मैं जीरो करके मानूंगा। तो मैं प्रिज्म रॉड को थोड़ा और क्रेस्ट को मैं सेंटर में लाने के लिए बोलता हूँ, तो उसको सेंटर में लाना है। मैं थोड़ा पोज करके फिर आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको सेंटर करके दिखा देता हूँ वीडियो को। वो हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको एकदम सेंटर में लाया हूँ। तो जो अपना क्रॉस हेयर है बीच वाला, उसको करके मैं इसको क्या करना है, मेजर करना है। एक जब मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद मेजर में डायरेक्ट क्लिक करना, तो मेरे को बताएगा कितना मीटर जाना है। अभी उनको 6 मीटर 253 mm आउट जाना है, बस 6 मीटर 253 mm आउट उनको बोलता हूँ मैं। दोबारा वो 6 मीटर 253 mm जब आउट बाहर जाएगा, उसके पीछे जाएगा, तब मेरे को फिर दोबारा टारगेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको इशारा करना पड़ेगा। फ़ोन या टॉकी टॉकी कुछ भी में भी आप ये कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से टारगेट कर लेता हूँ, हो सकती है, जब इसको इशारा करेंगे तो हाथ में भी सब सकते ही करें। देखो हाथ पे सारा देखो। दोबारा हो जाने के बाद इसको मेरे को मेजर करना है। जब मेरे को फिर पूरा लाइन में आएगा, पूरा मेरा क्रॉस हेयर जो सेंटर में आएगा, ये आ जाने के बाद मेरे को दोबारा क्लिक करना है मेजर में, देखना है कितना मीटर तक आना जाना है। यानी इन्होंने अभी भी और 200 mm 209 mm का पीछे जाना है। तो मैं उनको फिर से दोबारा इशारा करता हूँ और फिर से उसको टारगेट करता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में मैं इस हॉरिजॉन्टल एंगल को एक बार भी नहीं छुआ हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स रहेगा। आपको कोई भी कीमत में इसको छेड़ना नहीं है, स्टेक आउट का जब भी काम करोगे। दोबारा से मैं फिर से कर लेता हूँ इसको क्लिक मेजर में। जब मेजर मेरा फिर टारगेट में आ गया, जब तक टारगेट में मेरा नहीं आएगा तब तक उनको मैं बोलेंगे कि कैसे उसको आगे पीछे करने के लिए और एंगल को भी सीधा करने के लिए। 110 mm मेरे तरफ 110 mm आगे हो, यानी आगे आएगा, मशीन के तरफ आएगा 110 mm। अब देख सकते हैं अभी इसमें 3 mm का आया, 2 डिग्री एंगल का है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसमें सिंस वीडियो में देख लिया हूँ कि कैसे स्टेक आउट का पॉइंट देना है, वो भी निकॉन XF सीरीज का। वो निकॉन XF सीरीज का मशीन का आपने आज पूरा वीडियो देख लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक करिए। अगर कुछ भी सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सीधे ना होंगे।